जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा लगातार जेडीयू पर हमलावर हैं। जहां कुशवाहा जेडीयू को धराशायी करने में लगे हैं, वहीं शाह लगातार बिहार आने के बहाने ढूंढने में। कुशवाहा के इस आक्रामकता का लाभ बीजेपी को मिलना तय है। तो लेने की जरूरत तब पड़ती है जब आप नाम नहीं जानते, नाम को जान ही रहे, सब लोग जान रहे हैं, तो हमको लेकर क्यों अपना होता है कि टंग भी गंदा करना, क्यों करें अपना गंदा, जीवा तो हमारी है, इसको गंदा क्यों करें। हाँ, लोग नहीं जानते तो बोलते, जान तो रही है सब। बंधन में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, हमने जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए जिन बातों की चर्चा लगातार की, पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, समाप्त हो रही है, हमारी बात पर नहीं ध्यान दिया गया, अंत में हमने अपना रास्ता लिया। और उस वक्त हम बोलते थे कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, अकेले इस राय के हम ही नहीं है, बहुत सारे लोग जेडीयू में हैं, हमने उस वक्त कहा था। और अब वह बात भी धीरे धीरे प्रमाणित होने लगी है। जेडीयू से निकलने के बाद, मेरे निकलने के बाद, हमारे साथ जो लोग भी आए उनके बाद, श्रीमती मीना सिंह जी जो पार्टी की बड़ी नेत्री थी, उन्होंने भी वहां से अलग होने का डिसीजन लिया। और जो बात हमने कही थी हूबहू वही कारण उन्होंने भी बताया, अभी देख रहे हैं आपके सामने। शंभुनाथ सिन्हा जी पार्टी के, आज के नहीं समता पार्टी के दिनों के साथी, जनता दल यूनाइटेड में बाद में आए, पुराने साथी हैं। पार्टी जब समता पार्टी के समय संघर्ष के रास्ते पे हम लोग चलते थे, उस समय इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आज इन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया और कल पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के क्या कारण है, इनकी ओर से भी तमाम वही बातें कही गई जो बात हम कह रहे थे। हम जिला जिला में जहां जा रहे हैं, वहां भी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ आ रहे हैं, लोग सदस्यता ले रहे हैं। पटना में भी कई लोगों का बयान, जो महत्वपूर्ण इलाके के अलग अलग नेता हैं, उनका भी बयान जनता दल यूनाइटेड की स्थिति को लेकर रोज आ रहा है और रोज लोग वहां से अलग हो रहे हैं। कुल मिला जुलाकर पार्टी अब बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई है। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार, हम बार बार कहते रहे कि दो चार लोग हैं, जिन दो चार लोगों के कारण पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज इस स्थिति में पहुंच गई। और पार्टी से ज्यादा मेरे लिए तो चिंता का विषय है, पार्टी तो मैंने छोड़ दी और पार्टी का जो भी हो उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी का, उनका चेहरा, उनकी छवि जिस रूप में कभी हुआ करती थी, आज कहां पहुंच गए नीतीश जी, उनके चेहरा को देखकर अंदर से दया का भाव आता है। नीतीश जी लगातार बोलते थे कि हम कुछ भी कहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन करप्शन से, भ्रष्टाचार से कभी कंप्रोमाइज नहीं करें, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। भ्रष्टाचार के मामला में बार बार नीतीश जी बोलते थे। बीच में एक गठबंधन जिसके साथ सरकार चला रहे थे 2015 के बाद, उस वक्त भ्रष्टाचार के इशू को लेकर ही उन्होंने गठबंधन छोड़ा। तो इतना बड़ा बड़ा डिसीजन नीतीश कुमार जी लेते रहे हैं, करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, आजीवन करते रहे नीतीश कुमार जी। लेकिन अब आज जो इनकी स्थिति इस मामले में भी बन गई है, एक तरह से कहिए कि जो पूरे जीवन की उनकी राजनीतिक कमाई थी, उसको भी कुछ दो चार लोगों के कारण दांव पर लगा दिए। अब जिस गठबंधन में है नीतीश जी और जिस व्यक्ति
व्यक्ति को या जिस पार्टी को अब आगे सौंपना चाहते हैं सब कुछ, उनकी जो स्थिति है भ्रष्टाचार के मामला में, नीतीश जी से जब सवाल पूछा आप ही में से कुछ लोगों ने कि जो छापेमारी हो रही है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो कुछ भी नीतीश कुमार जी नहीं बोल पाए। अब नीतीश कुमार जी का ऐसे विषय पर भी चुप रहना, नहीं बोलना या कुछ ऐसी बात कहकर निकल जाना जिसका अर्थ न तो हाँ होता है न होता है, ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति नीतीश कुमार जी की कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसी दयनीय स्थिति होगी। लेकिन अब एक तरह से कहिए कि भ्रष्टाचार से पूरे के पूरे तौर पे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है। साथ वाला आदमी जिसके लिए कभी उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था, उस समय और आज में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उस समय से ज्यादा आज भ्रष्टाचार जो करने वाले लोग हैं, जो बातें आ रही है उससे साफ लग रहा है कि उस समय से ज्यादा आज स्थिति उस स्तर पे भ्रष्टाचार की दिख रही है। उसके बावजूद नीतीश जी का कुछ नहीं बोलना या इधर उधर से कुछ बोलकर निकल जाना, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है उनके लिए।